वेलकम टू माय चैनल माय विजन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नूरुस्सलाम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से टॉपिक के बारे में जो हर पेपर में आता है, चाहे वो आपका पीसीएस हो, आईएएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस टॉपिक के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इन जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। नाम सुन के लगता है कि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है, तो जैव विविधता को हम दो शब्दों से जोड़कर बना सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट, फौना मीन्स एनिमल। प्लांट और एनिमल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हर जगह पाई जाती है। आपका बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजिटेशन, ठीक है। जैव विविधता वनस्पतियों के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा वनस्पतियाँ या वेजिटेशन पाई जाएगी वहाँ पर उतना अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के साथ साथ जैव विविधता भी पाई जाएगी। अब ये जैव विविधता का दुनिया भर में क्षेत्र क्या होता है, रीजन क्या होता है, व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, या फिर जहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलेगा, या सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच। कर्क और मकर रेखा का मतलब क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को ही हम सदाबहार वनों का क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल जोन कहते हैं। और इन्हीं जोन पर हमें दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कहीं पर भी अगर जैव विविधता वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इन्हीं रीजन्स को आप ऑप्शन में पाते हैं। यही क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑप्शंस में मिलते हैं और आपको उनमें से कोई सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक और टर्म जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है वो आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी तो हमने देख लिया क्या होता है, लेकिन अब हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब एक स्पेशल तरह की एक्टिविटीज़ जब किसी एरिया में ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो वर्ड है इसको कॉइन किया था नॉर्मन मेयर ने। नॉर्मन मेयर ने सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया था। किसने कॉइन किया था, नॉर्मन मेयर। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता में विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है या ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब इन बायोडाइवर्सिटी के रीजन्स को या इन बायोडाइवर्सिटी के बारे में, भारत के बारे में या भारत के सापेक्ष इसको देखें तो हमें भारत में जैव विविधता कहाँ मिलेगी, भारत में बहुत सारी जैव विविधता है, लेकिन जब हम कर्क रेखा के नीचे जाएंगे भारत में, यानी दक्षिण भारत में जाएंगे, तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत मिलती है। और भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हमारे पास चार हैं। पहला हॉटस्पॉट जो है वो हमारे पास कौन सा है, पहला हॉटस्पॉट हमें मिलेगा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। अगर हम भारत के नक्शे को देखेंगे तो भारत के नक्शे पे या इसके मैप पर आपको इस साइड जो एरिया मिलता है वो होता है वेस्टर्न घाट, ये आपका पहला एरिया होगा। दूसरा एरिया कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय। हिमालय हमारा पूरा ऊपर से लेकर ऐसे फैला होता है और इधर वाला पार्ट जो है वो है ईस्टर्न हिमालय। तीसरा हिस्सा इंडो म्यांमार बॉर्डर। इंडो म्यांमार बॉर्डर मतलब ये आपका इंडिया है और इसके साथ लगन में लगा हुआ है म्यांमार।
इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये 4 जो हमारे स्टेट हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर, और ये हमारा तीसरा क्षेत्र है। इंडो म्यांमार बॉर्डर मतलब इंडिया और म्यांमार की सीमा रेखा। और चौथे नंबर पे आता है सुंडालैंड। सुंडालैंड आप सोच रहे होंगे कहाँ होगा, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है आज का, कमेंट करने के लिए कि आप मुझे पता करके बताएं कि सुंडालैंड भारत में कहाँ पड़ता है। सुंडालैंड एक ऐसी जगह है जो भारत की बहुत प्रसिद्ध जगह है, लेकिन आप जल्दी वहाँ जाते नहीं हैं। ये मेरा हिंट है, आप इसे ढूंढिएगा, बताइएगा, और ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सुंडालैंड भारत में किस जगह पर, किस क्षेत्र में पड़ता है। सुंडालैंड हमारा चौथा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट या जीवों की विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर इन जैव विविधता के बारे में हम बात करते हैं, तो जैव विविधता हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाता है, और जैव विविधता के ऊपर ये एक बेसिक लेक्चर है। इससे रिलेटेड जो हमारा अगला लेक्चर होगा कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है, और इसको हम कैसे संरक्षित करते हैं, उसको हम अगली क्लास में या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। थैंक यू सो मच।